पहलवान व्यक्ति है, किसी से डरता नहीं है, और जो इस देश के लिए मेडल लाता है वो डरपोक नहीं होता, बहादुर बोला जाता है, पहलवान है, हमें उनसे आपसे सीखनी चाहिए। तमाम अन्य खेलों में ये देखने को मिल रहा है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कौन इसका जिम्मेदार है। अगर इस देश में उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाती है, संज्ञान नहीं लिया जाता है, तब भी लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। वो राजनीतिक लोग नहीं है, उन्हें ये नहीं पता स्टेप कब क्या लेना है, वो देश के पहलवान है, उनका राजनीतिक मामला है, वो अगर नहीं आना चाह रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता है। राहुल गांधी का अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपनी बात वो रख सकते हैं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आपको जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ जो पहलवान हैं यहाँ पे धरने पे मौजूद हैं, उनके साथ शोषण होता है, इस वजह से आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे कि किस प्रकार से अभी बैरिकेड के अंदर में सारे पहलवान हैं और यहाँ पे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ उनके लीगल टीम यहाँ पे मौजूद है, कुछ वकील हैं हमारे साथ। हम इनसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है, लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बार ये लोग प्रोटेस्ट किए थे, बीच में छोड़ दिए थे, कहीं इन्हीं लोग में कुछ गलती हो। नहीं नहीं, देखिए, उनका अधिकार है, राष्ट्रीय पहलवान है, अगर वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत हुआ है, और उन्हीं के साथ नहीं, अगर और भी तमाम जितने खिलाड़ी हैं जिनके साथ आए दिन ये चीज़ें हो रही हैं, तमाम अन्य खेलों में ये देखने को मिल रहा है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कौन इसका जिम्मेदार है, और उसके लिए अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इतने टाइम से ये लोग कहाँ थे, अचानक से ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, बट उन्होंने जब प्रयास किया शुरुआती दिनों में, जब उन्होंने कोशिश की, इनको एक तरह से आश्वासन दिया गया, वो कोई राजनीतिक लोग तो है नहीं, दे आर नॉट प्लान फेलोज दैट व्हाट दे हैव टू डू नेक्स्ट, इसके लिए तो तैयार नहीं है, वो आम आदमी है, राष्ट्र के लिए भाई मेहनत करते हैं, मेडल लाते हैं, तो इस वजह से अपना कार्य कर रहे थे, अब बीच में आके उनको डाइवर्ट कर दिया गया, चीजें कहनी जाए तो वो गलत होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डर था, जो वहाँ के जो फेडरेशन के हेड है उनसे कहीं डरते थे ये लोग। देखिए, पहलवान व्यक्ति है, किसी से डरता नहीं है, और जो इस देश के लिए मेडल लाता है वो डरपोक नहीं होता, बहादुर बोला जाता है, पहलवान है, हमें उनसे आपसे सीखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ठीक है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। का एक सवाल है, कुछ लोग ऐसा सवाल कर रहे थे कि एक बार और ये लोग धरने पे आए थे और फिर बीच में गायब हो गए, वैसा ऐसा क्या हुआ था, उस समय कुछ आश्वासन मिला था? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वो राजनीतिक लोग नहीं है, उन्हें ये नहीं पता स्टेप कब क्या लेना है, वो देश के पहलवान है, और उनको लगा इस देश पे विश्वास थी, चीज़ों पे, फेडरेशन पे विश्वास था कि चीज़ें होंगी, जब उन्हें लगा कि उस लायक व्यवस्था नहीं बन रही है, कुछ निर्णायक कदम नहीं लिए गए, उचित कदम नहीं लिए गए, तो फिर से अब वो मुद्रा पे आ गए, FIR के लिए कह रहे हैं, शिकायत दी, नहीं FIR, वो तो आज वो बैठे हैं। FIR नहीं हुआ क्यों? क्योंकि वो लोग, एक तो सबसे पहली बात, वो लोग देश के लिए कुछ किए हैं, वो लोग एक पहचान है हमारे देश के, और उनका FIR दर्ज नहीं कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप कहें कि लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, लोकतंत्र अपने आप में, आप ये समझिए कि गरीब व्यक्ति है, अगर इस देश में उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाती है, संज्ञान नहीं लिया जाता है, तब भी लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। कभी लोकतंत्र खतरे में है? अगर इनका FIR नहीं हुआ तो मैं कहूंगा बिल्कुल। सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं, जैसे स्पोक पर्सन है, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, वो भी आई थी पिछली बार जब इन लोगों ने धरना दिया था, तो उन्होंने भी इनके सपोर्ट में बोला था, और सारी विपक्षी पार्टियां जो है सपोर्ट कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि वो BJP के नेता है इसके वजह से? देखिए, बात ये नहीं है ब्रजेश, ये विषय नहीं कि कोई किस दल का है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी दल का व्यक्ति हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, यहाँ इसकी लड़ाई नहीं है, यहाँ ये इसलिए नहीं बैठे हैं, इन्होंने सबका स्वागत किया। इफ़ इज़ अ मेंबर ऑफ BJP, इफ़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ BJP कम्स इन सपोर्ट ऑफ देम, अगर आते हैं समर्थन में, तो उनका भी स्वागत कर रहे हैं। आप एक वकील हैं और आपने बयान नहीं सुना होगा, उन्होंने कहा था अगर मेरे पे कुछ हुआ तो हम पूरी भारतीय जनता पार्टी को बता देंगे, इससे आप क्या कहेंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या फिर से आप स्टेटमेंट? उन्होंने कहा था जब पहली बार इन्होंने धरना दिया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे को कुछ नहीं हो सकता, अगर मुझे कुछ होगा तो हम बता देंगे, इसका क्या आप बोलेंगे? आपने सुना था ऐसी कोई बात? देखिए, आप जिस बयान की बात कर रही हैं, मुझे उसे पुनः एक बार देखना पड़ेगा एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था। बाकी रही बात बयानबाजी, सब लोग कर रहे हैं, ये अलग विषय है, हमारा फोकस उस पे नहीं है, हमारा फोकस बस इस बात पे है कि FIR कब होगा। तो क्या लग रहा है कि ये लोग, एक तो पहचान है भारत के, और अभी तक ये लोग यहाँ पे धरने पे रात दिन यहाँ पे रह रहे हैं, और संसद भवन बहुत पास में है, जब ये लोग कुछ करते हैं तो प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाते हैं, आप पोस्ट डालते हैं, शाबाशी देते हैं, और अभी आ नहीं रहे, तो क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका राजनीतिक मामला है, वो अगर नहीं आना चाह रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता है, ना है, तो मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कह सकता हूँ, पर मेरा जो विवेक कहता है कि अगर देश में राष्ट्रीय स्तर के पहलवान यहाँ हैं और बैठे हैं,
तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका प्रतिनिधि आके बात कर रहा हो, बातें स्पष्ट निकल, रात में उनके प्रतिनिधि आए थे, मेरी बात हुई उनसे काफी। आप बहुत सोच समझ कर बात कर रहे हैं। तो आप बात भी तो किससे कर रहे हैं, आप ये सोचो ना एक अधिवक्ता से बात करो। तो आई हैव टू बट मैं सोच समझ के नहीं, जो डरते नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, नहीं डर का विषय नहीं है, डर का विषय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं डर का, देश के इस देश के लोकतंत्र, इतनी करोड़ों की जनता ने उन्हें चुना है, सत्ता में बैठा है, तो हम सब उसका स्वागत। राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी का अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपनी बात वो रख सकते हैं। हम आप उनकी, आप ही उनकी आवाज दिखा रही हैं, आप ही आवाज बन रही है, आप लोग दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रही है। तो देख सकते हैं ये जो है उनके जो है लीगल एडवाइजर हैं, और ये लोग लगातार जो उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी लगभग ये लोग दो चार दिन से रात दिन यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक तो कोई भी हल नहीं निकल पाया है। जहाँ तक बीजेपी सरकार कहती है कि हम पहलवानों की जो राष्ट्रीय राष्ट्र में 1% भी जिसका योगदान है हम उनके लिए खड़े हैं, लेकिन आज ये लोग, बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज ये लोग धरने पे बैठे हुए और इनसे मिलने के लिए कोई नहीं आया, ना ही FIR लग पा रही है और ना ही कुछ हो पा रहा है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि लोकतंत्र सच में खतरे में है, या इस पहलवानों की जिसकी तस्वीर लेके प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जब भी ये कुछ करते हैं तो अपने ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, आज कहाँ चले गए? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और FIR क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग की पूरी खबर पे क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।